तो भाई लोग कैसे हैं आप, उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं फिल्मों की अपडेट। और दोस्तों इन सभी फिल्मों की अपडेट की आज हम आपको बताने वाले हैं रिलीज डेट। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं हमारी अपडेट के बारे में। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो दोस्तों शानदार अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज की हमारी अपडेट में हम सबके बीच में जो रिलीज होने वाली है फिल्में, कई सारी फिल्में पोस्टपोन हो रही है, तो दोस्तों कई सारी फिल्में प्रीपोन हो रही है, और दोस्तों कई सारी फिल्मों के रिलीज डेट बदल के एक बार फिर से उसी रिलीज डेट पे रिलीज करी जा रही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फिल्म से कलेश कर रही है, और दोस्तों आखिरकार कौन सा शेर के हटने के वजह से कौन सी फिल्म बाजी मारते हुए नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं एवी रिएक्शन, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि फिल्म पुष्पा, जिसको कहा जाता है जंगल का शेर, और दोस्तों जब शेर दो कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब यह है कि वो अटैक करने वाला है। पर दोस्तों अगर वही शेर चार कदम पीछे ले ले तो समझ लेना पुष्पा भाव वारे लाए। और दोस्तों पुष्पा भाव यानी कि दोस्तों पुष्पा 2 हम सभी के बीच में रिलीज होने वाली थी 15 अगस्त को। पर दोस्तों दुख की बात यह है कि इस फिल्म के वीएफएक्स के काम की वजह से और दोस्तों एक महीना शूटिंग लेट चलने की वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया। और दोस्तों इस फिल्म की जो अपडेट निकल के आ रही है वो ऐसा है कि ये फिल्म अब हम सभी के बीच में आगे चल के कुछ अलग समय पर रिलीज करी जाएगी। देखते हैं वो तारीख कौन सी है, अभी तक रिवील नहीं करी गई। दोस्तों अब जैसे ही ये फिल्म हम सभी के बीच में 15 अगस्त से हटती है तो दोस्तों उस टाइम पे चार बड़ी फिल्में अपने रिलीज डेट अनाउंस कर देती हैं। दोस्तों पहली फिल्म वेदा थी, जो कि दोस्तों जॉन अब्राहम की थी। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये फिल्म हम सभी के बीच में रिलीज तो होने वाली थी और दोस्तों इस फिल्म का पोस्टपोन होने की भी कोई अपडेट नहीं आई थी। अब दोस्तों तो फाइनली इस फिल्म से आपको कलेश करती हुई नजर आने वाली है फिल्म स्त्री। और दोस्तों आप सभी को पता है कि स्त्री 2 का जो बज है वो कितना बेहतरीन बना हुआ है। अब दोस्तों ये फिल्म भी 15 अगस्त को रिलीज होगी। वहीं पर दोस्तों अक्षय कुमार सर ने भी अपनी एक और फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया जिसका नाम है खेल खेल में, और दोस्तों ये फिल्म भी 15 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है। अब दोस्तों ये तीन फिल्में तो 15 अगस्त को रिलीज हो रही है, पर दोस्तों इसके अलावा दूसरी फिल्में वो कब रिलीज हो रही है, तो दोस्तों जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा, जिसको हम सभी के बीच में पहले रिलीज होना था 10 अक्टूबर को, पर दोस्तों ना जाने क्यों इस फिल्म की रिलीज डेट पहले ही आ चुकी है। जी हां दोस्तों 27 सितंबर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म प्रीपोन हो चुकी है, वक्त के पहले ही इस फिल्म को रिलीज करा जाएगा। वो दोस्तों खुशी की बात है क्योंकि इस फिल्म का देवरा पार्ट 1 देखते हैं कैसा होता है और कैसे जूनियर एनटीआर सभी का दिल जीतते हुए नजर आते हैं। वहीं पर दोस्तों वेलकम टू द जंगल एक बार फिर से पोस्टपोन होती हुई नजर आ रही है, और दोस्तों इसकी ऑफिशियल अपडेट भी ट्विटर हैंडल के ऊपर ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि फिल्म सरफिरा, जिसको हम सभी के बीच में 12 जुलाई को रिलीज होना है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि 12 जुलाई को हो सकता है कि इंडियन 2 भी रिलीज हो जाए, कमल हसन सर की फिल्म है, पर देखते हैं कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर अगर हो गई तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरफिरा फिल्म भी अपने कलेक्शन से हाथ धोने की नौबत पर आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करें सिंघम की, तो दोस्तों सिंघम को रिलीज होना था 15 अगस्त को। अब दोस्तों वहां पर रिलीज हो रही थी पुष्पा 2, अब दोस्तों पुष्पा 2 तो हट गई है, और पुष्पा 2 की रिलीज होने के चक्कर में सिंघम अगेन ने अपनी रिलीज डेट बदल ली। अब दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से यह अपडेट आ रही है कि इस फिल्म की हम रिलीज डेट आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ाने का कारण क्या है, ये इनकी फिल्म से थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इनकी क्वालिटी से, इनकी स्टोरी से, इनके दोस्तों मूवमेंट से, और दोस्तों इनके वीएफएक्स सीजीआई। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये सब चीजें अच्छी हैं, पर जो हम सभी के बीच में अंदर की अपडेट निकल के आई है वो ये है कि इस फिल्म की जो रिलीज डेट है या तो वो अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगी या तो दोस्तों नवंबर में। और दोस्तों एक अपडेट तो मुझको ये भी देखने के लिए मिली है कि ये फिल्म शायद से लक्ष्मी पूजन के दिन रिलीज हो सकती है। अब दोस्तों लक्ष्मी पूजन के दिन अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो दोस्तों आने वाला पूरा एक हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर अगर किसी फिल्म का धूम मचेगा तो वो कौन रहेगी, सिंघम अगेन। तो दोस्तों ये थी बड़ी बड़ी अपडेट।